नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अपने मन से भी करेंगे और कुछ सच्चाई के साथ भी करेंगे फ्लाइट के बारे में। जी हाँ, फ्लाइटों की आगे आने वाले समय पे क्या स्थिति हो सकती है, एग्जांपल हो चुका है। जी हाँ, और मुझे भाई देखिए, इसमें कुछ बातें भी बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि आपको नुकसान नहीं हो। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में कोविड, आपको पता है, कोविड भयंकर रूप ले चुका है। 280,000 केस 20 अप्रैल के दिन के हैं, आप समझ सकते हैं। और हॉस्पिटलों में आपको पता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। शमशान घाट में, कब्रिस्तान में लोगों की वेटिंग चल रही है कि इनको जल्दी से अंतिम संस्कार करो, दफनाओ। ये स्थिति इंडिया में अभी है, आप सबको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। और इसी को देखते हुए बता दूँ, हांगकांग इंडिया से फ्लाइटें चालू थी, अभी बता दूं 20 अप्रैल से स्टॉप कर दिया गया, बैन कर दिया फ्लाइट। इंडिया के फ्लाइट अभी हांगकांग नहीं जा सकती 3 मई तक, यानी 15 दिन का ये डिसीजन लिया है। आगे इसमें और भी डिसीजन लंबा जा सकता है, समझ रहे हो बात को। अब हांगकांग जाने वाले जिनके वीज़ा थे, कुछ भी था, या फिर जो ट्रेवलर थे, जिनके बिजनेस थे, वो सब कुछ क्लोज हो गया, नहीं जा सकते। अब ये स्थिति क्या और देशों के साथ भी हो सकती है? जी हाँ, हालांकि हांगकांग ने इंडिया सहित पाकिस्तान की फ़्लाइटें बैन की और फिलीपींस की भी बैन कर दी। जी हाँ, 3 देशों को उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पे आंकड़े सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जोखिम भरे देश हैं, इस वजह से हम नहीं चाहते कि ये लोग आके इंडिया के, पाकिस्तान के, फिलीपींस के, हांगकांग में भी ये आंकड़े बढ़ाएं। क्योंकि हांगकांग कंट्री में कंट्रोल है, कोई ज़्यादा आंकड़े नहीं है। अगर 20 अप्रैल की बात करें तो मात्र 12 लोग पॉजिटिव आए थे, 12-13 लोग पॉजिटिव आए थे। तो कहने का मतलब वहाँ पे कंट्रोल है और वो नहीं चाहते कि इन देशों जैसी स्थिति हमारे देश में हो। जी हाँ, इसी को देखते हुए दुबई ने भी, आपको पता है भाई, पहले 96 घंटे की टेस्ट रिपोर्ट मांगते थे, फिर 72 घंटे की, अभी 48 घंटे की कर दी है। 48 घंटे का मतलब होता है पहले दिन की रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे आप दुबई आज जा रहे हैं तो कल की रिपोर्ट मान्य होगी। अब आप सकते हैं, जाना थोड़ा मुश्किल हो गया ना। 48 घंटे कितने को होते हैं भाई? 2 तो रात हो गई, 12-12 घंटे की उनको छोड़ दो, 12-12 दिन की है, 24 घंटे की रिपोर्ट आप मान सकते हैं। वो रिपोर्ट आपके पास वैलिड होगी एयरपोर्ट तक पहुंचने तक, तब जाके आपका काम बन सकता है। तो कहने का मतलब, जिस तरीके से इंडिया में आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि और भी देश इंडिया की फ्लाइटें बैन कर सकते हैं, या फिर जिन देशों में पहले से ही बैन थी वो लंबा जाएगा प्रोसेस। उम्मीद ये थी कि भाई चलो मार्च चला गया, फ्लाइटें चालू हो गई जाएंगी, लेकिन स्थिति देखो उल्टी हो गई। और उल्टी भी ये नहीं कि थोड़ी उल्टी हो गई यार, कितना गुना उल्टी हो गई, सोचने की बात है। जब कोरोना पीक समय पे था तब भी इंडिया में 1,00,000 से ऊपर केस नहीं गए, लेकिन अभी देखो भाई, वैक्सीन आ चुकी है, चारों तरफ से नॉर्मल लोग मानने लगे, तब 280,000 केस एक दिन के इंडिया में रिकॉर्ड। हो सकता है ये 3,00,000 क्रॉस भी कर जाए आने वाले अप्रैल के अंदर अंदर। वैक्सीनेशन, हालांकि कोविड सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने ये बोला है कि भाई 1 मई से 18 साल के से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन अप्रैल में ये 10 दिन बड़े खतरनाक तरीके से निकलने वाले, बहुत स्थिति खराब रहेगी, और मई में भी स्थिति खराब ही रहेगी भाई। तो हो सकता है और भी देश फ्लाइटें बैन कर दें। तो रिक्वेस्ट, मैं तो ये बोलूँगा कि भाई जिस देश आपको जाना है तुरंत निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि फिर आपका कितना लंबा समय जाएगा। यहाँ पे कोई डराने की बात नहीं है, सच्चाई है, फैक्ट है, आंकड़े बता रहे हैं। आपका वीज़ा, आपका जॉब, आपका सब कुछ कैंसिल हो सकता है। इससे बढ़िया है कि आप जिस देश जाना चाहते हैं वहाँ जाके अपने आप को सेटल करें। और भाई विदेशी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार इंडिया आने की ना सोचें, क्योंकि ऊँट किस करवट बैठेगा कोई पता नहीं लगता इस चीज़ों का। कौन सा, जैसे अभी आप मान लीजिए किसी भी देश में, इंडिया आ गए, उस देश ने इंडिया को बैन कर दिया, फ्लाइटें बैन हो गई, 6 महीने फ्लाइटें बैन रहेंगी, आपका तो वीज़ा, आपका जॉब, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप वापस नहीं जा सकते। सिंगापुर की स्थिति देख लो ना, कब लोग मार्च में उससे पहले आए थे, आज 1 साल हो गया, सिंगापुर की फ़्लाइटें इंडिया के लिए बैन है, नहीं जा सकते। काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया उनका, नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे देश हैं फ्लाइटें बैन है, इंडिया के लोग नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति है। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई, ख़ास तौर से कि जो जहाँ हैं, अगर आप इंडिया से दूसरे देशों में जाना चाह रहे हैं तो तुरंत चले जाएं, अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो एक बार ना आए, इसी आप में आप लोगों की भलाई रहेगी दोनों तरफ। क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, हाँ इस पे कंट्रोल अप्रैल और मई में कर लिया जाता है वैक्सीनेशन के माध्यम से, कैसे भी आंकड़े नॉर्मल हो जाते हैं कोरोना के, तब स्थिति नॉर्मल बन सकती है, नो डाउट। लेकिन अभी स्थिति क्रिटिकल है, तो रिक्वेस्ट मैं तो यही करूँगा, बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।